आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वेट लॉस की सीरीज हमने शुरू की है उसमें का आज ये सेकंड वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देकर बताना चाहूँगी कि कैसे आप इन छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही सच है कि छोटी छोटी और साधारण सी चीज़ों को आप यूज़ में लाकर बहुत बड़ा रिजल्ट पा सकते हैं। पर हाँ, आपको मोटिवेशन कभी नहीं छोड़नी होगी, क्योंकि जिस दिन आपने मोटिवेशन छोड़ दिया आप ज़रूर अपना लक्ष्य पा नहीं पाएंगे और वेट लॉस की कोशिशें वहीं पे आप छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिसका यूज़ करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। पर इसको आपको यूज़ करते हुए ऐसा नहीं कि आपने चार दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, इसको आपको एक लगातार लंबे समय तक करना होगा, तभी आपको इसका जो है बेनिफिट वो मिलेगा। आप बोलोगे कि कुछ दिन मैं करके देखता हूँ और फ़र्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं, वेट लॉस एक लॉन्ग प्रोसीजर है। जिस तरह से आपने वेट गेन किया है, थोड़ा थोड़ा करके आप में आपने फैट को गेन किया है तो थोड़ा थोड़ा करके ही आपको लूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक मोटिवेशन आप हमेशा ध्यान रखिए और देखिए। चलते हैं आज के हमारे कुछ टिप्स के। तो आज की हमारी सबसे पहली टिप है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, इससे कैसे वेट लॉस होगा? पर दोस्तों, जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं, ये एक प्रोसीजर है जिसको एक के बाद एक आप फॉलो करेंगे तो ही आपको जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है वो मिलेगा। तो इसमें अगर आप सबसे पहले जल्दी उठने की कोशिश करेंगे या जल्दी उठोगे, तो उसके बाद का जो टाइम टेबल है, जो दिन भर का खाना पीना एक के बाद एक जो चीज़ें हैं वो आप कर पाएंगे। पर अगर आप उठोगे ही देर से, तो जो आपको चीज़ें करनी है एक के बाद एक जो लाइंड अप चीज़ें रहेंगी वो आप कर नहीं पाओगे और कुछ ना कुछ चीज़ें स्किप कर जाओगे, जिससे आपको डिज़ायर्ड बेनिफिट नहीं मिल सकेगा। तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठोगे तो आप पानी पी सकोगे, खा सकोगे, ब्रेकफास्ट टाइम पे कर सकोगे, उसके बाद आप लंच प्रॉपर समय पे कर सकोगे और डिनर तक के, रात के सोने तक का आपका कोई भी टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये थी हमारी टिप नंबर वन। टिप नंबर टू हमारी ये है कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ये बड़ी ही साधारण सी टिप है, पर इस साधारण सी टिप का अगर आप प्रॉपर यूज़ करोगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो सवेरे से लेके दो गिलास कुनकुने पानी से आप अपना दिन शुरू कीजिए, तो लगातार दिन में हर एक से दो घंटे, डेढ़ घंटे के बाद आपको पानी पीना है। आपके बॉडी के वेट के अनुसार आपको गूगल पे ये मिल जाएगा कि जिसमें लिखा होगा कि आपका बॉडी का, आपका क्या वेट है, उस हिसाब से आपकी पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपना रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए और दिन भर का उतना ग्लासेस आपको पानी पीना है। तो ये है हमारी टिप नंबर टू। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियोगे तो बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि आपकी बॉडी में जो पानी पकड़ के रहता है, जो अपनी बॉडी ऐसे मोड में जाती है, जब आप बहुत दिन तक पानी नहीं पियोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इसलिए कि हमारी बॉडी जो है वो पानी पकड़ के रखती है, और जब हमें पानी नहीं मिलता तब वो इसका यूज़ करती है। पर आप हर कुछ घंटे बाद अगर पानी पियोगे तो आपके बॉडी को ये पता चल जाएगा कि नहीं, ये बंदा, ये बंदी, ये पर्सन जो है ये ज़रूर पानी पीने वाला है थोड़ी देर के बाद, तो मुझे पानी पकड़ के या स्टोर करने की हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आज पानी के बारे में और कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पानी में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, ऐसे तत्व हैं जो अपने बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं। एज वेल एज जब हम पानी पीते हैं तो इट फ्लशेस आउट द टॉक्सिन्स इन योर बॉडी, इट इम्प्रूव योर डाइजेशन, इट लेसन्स योर कॉन्स्टिपेशन, इट क्रिएट्स मोर एनर्जी इन योर बॉडी। एज वेल एज जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी ये कन्फ्यूजन कम क्रिएट करती है कि हमें भूख लगी है, क्योंकि हमारा स्टमक जो है ऑलमोस्ट फुल रहता है और ये कन्फ्यूजन हम क्रिएट नहीं करते। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अनवांटेड स्नैकिंग हम कर जाते हैं सिर्फ पानी के लिए, तो वो स्नैकिंग जो है वो हमारा कट डाउन हो जाता है। तो इसलिए जो पानी है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पिए, दिन भर पिए। तो ये हमारी आज की टिप नंबर टू। टिप नंबर थ्री है
कि ऑलवेज टेक एनी मेटाबॉलिक बूस्टर ड्रिंक या टी. मेटाबॉलिक बूस्टर या ड्रिंक्स के बहुत सारे रेसिपीज आपको नेट पे मिल जाएगी. यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मेटाबॉलिक रेट बूस्टर जो है उसकी ड्रिंक्स डाली हुई है. तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत किसी मेटाबॉलिक बूस्टर ड्रिंक से करते हो या किसी चाय से करते हो, जैसे कि क्यूमिन से, क्यूमिन सीड का टी है, जीरा वाटर है, सिनेमन टी है, एलोवेरा जूस है, ऐसे लेमन हनी जिंजर टी है, या ऐसे कोई जो वाटर्स है, तो इन सब चीज़ों से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट हो जाएगा. उसके बाद मेरी टिप नंबर 4 है कि ऑलवेज डू ब्रेकफास्ट अर्ली. आपके उठने से 2 घंटे से 3 घंटे का मैक्सिमम समय के बाद आपने के टाइम तक आपने अपना ब्रेकफास्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि रात में जब आप भूखे रहते हो अपना मेटाबॉलिज्म शांत हो जाता है, और उसके बाद जब हम मॉर्निंग में कुछ खाते हैं तब हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, जो कि दिन भर में हमारी बहुत सारी कैलोरीज बर्न करता है, और ये बर्न हुई हुई कैलोरीज हमको फैट लॉस में मदद करती है. तो ऑलवेज हैव अ ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग. बहुत अच्छे से बहुत भर के आप ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद भले लंच और डिनर जो है वो कम कम पोर्शन में आप कीजिए. मेरी आज की टिप नंबर जो 5 है वो यही है कि ईट मल्टीपल टाइम्स. अगर आपको वेट लूज करना है तो आपने सिर्फ 1 बार खा के, 2 बार खा के या 3 बार खा के ये जो चीज़ है ये इस चीज़ को ब्रेक कर दीजिए और मल्टीपल टाइम स्नैकिंग कीजिए. पर स्नैकिंग कैसे करना है आपको, अच्छा हेल्दी हेल्दी मंचिंग, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी स्नैकिंग करना है. जो जैसे चना, भुना हुआ चना है आपके घर में, पॉपकॉर्न है जिसमें अनसॉल्टेड अनस्वीटन्ड जो पॉपकॉर्न है वो खाइए, मखाने हैं मखानों को खाइए, छाछ पीजिए, या ऐसे कोई जूस, ककड़ी खाइए, सैलड्स खाइए, वेजिटेबल को अपना दोस्त बनाइए. तो ऐसी चीज़ अगर आप करोगे तो आपको वेट लॉस में डेफिनेटली मदद होगी. मेरी उसके बाद की जो 5th नंबर की टिप है वो ये है कि कट डाउन ऑल योर सॉल्ट्स एंड शुगर. जी हाँ दोस्तों, सॉल्ट और शुगर आपके, जी हाँ दोस्तों, ज्यादा सॉल्ट और शुगर आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो इसके लिए उससे दूरी रहिए. कम सॉल्ट खाना है, क्योंकि सोडियम जो है, हम मात्रा से ज्यादा सोडियम खा लेते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता. और शुगर तो इसलिए दोस्तों क्योंकि शुगर में कोई भी पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिशंस जो है, उसकी बहुत कमतरता होती है शुगर में. शुगर इज जस्ट मियर कैलोरीज, और हमको सिर्फ कैलोरीज अपने बॉडी में जमा नहीं करनी है. तो आप अगर वेट लॉस सीरियसली करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सॉल्ट और शुगर को कंट्रोल में लाइए, उसे कम से कम आप यूज़ कीजिए, तो इससे आपको ज़रूर ज़रूर बेनिफिट होगा. उसके बाद मेरी टिप नंबर 6 है कि जो मैंने इससे पहले बोला है कि आपको हेल्दी मंचिंग और हेल्दी स्नैकिंग करनी है, दिन भर आपको खाते रहना है. ये तो टिप बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मंचिंग या स्नैकिंग नहीं करोगे तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को शिथिल कर दोगे या स्लो कर दोगे, और स्लो मेटाबॉलिज्म हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि हमको कैलोरीज बर्न करनी है, ना कि उसे जमा करना है. तो मेरे उसकी बात की जो टिप नंबर 6 है वो ये है कि श्रिंक योर प्लेट, अपनी प्लेट को छोटा कर दीजिए. अच्छा, ये छोटा आप कैसे करोगे, काट के करोगे? नहीं, अगर आप इतनी बड़ी प्लेट लेते हो तो अब आप इतनी छोटी प्लेट लीजिए, इतने बड़े कटोरी में खाते हो तो इतने कटोरी में खाइए. जैसे ही आप अपने जो यूटेंसिल्स है उनका साइज़ कट डाउन करोगे तो यूटेंसिल्स के साथ साथ आप जो फूड है वो भी कम लोगे, और अपने ब्रेन को ये ज़रूर आप दिखाओगे कि मैं भर के ही चीज़ खा रहा हूँ या भर के ही चीज़ खा रही हूँ, क्योंकि इतने कटोरी में भी आप जो चीज़ लोगे वो पूरी भर के दिखेगी, जिससे आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा कि हाँ, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई फूड, और मैंने इनफ खाना खाया है. क्योंकि बड़ी हुई प्लेट में अगर आप छोटा लोगे तो आपका मन भी तृप्त नहीं होगा और ब्रेन को भी मैसेज जाएगा कि आप कम खा रहे हो, और ये कम खाया हुआ जो मैसेज है ब्रेन को, ये उकसाता है कि आप और खाइए, कम खाया है, कम खाया है. तो हमको ब्रेन को उकसाना नहीं है, ब्रेन को शांत करना है कि भाई मैंने तो खा लिया है, मेरा तो टाइम फिनिश हो गया है और मैंने इनफ खाना खा लिया है आज के लिए. उसके बाद की जो मेरी 7वें नंबर की टिप है कि बी एक्टिव थ्रू आउट द डे. हाँ,
आप सिर्फ वेट देखिए, डाइट 80% रोल अदा करता है वेट लॉस में, 20% जो भी कोई एक्टिविटीज है, योगा, एरोबिक्स, डांस, स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्टिविटीज आपकी बढ़ानी पड़ेगी जब आप वेट लॉस कर रहे हो। एक्टिविटी से भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, उनका रेट, मेटाबॉलिक रेट ये हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे जेंट्स का भी बहुत, जेंट्स का भी वुमेन के कंपैरिजन में मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से अपना वेट लॉस करें, तो अपने आपको आप दिन भर में ज़्यादा एक्टिव रखिए। और नहीं कुछ आपसे पॉसिबल हो रहा है, एक तो नहीं तो कम से कम आप वॉक लीजिए, और नहीं वॉक पॉसिबल भी हो रहा है तो एक डांस ही कर लीजिए 5 मिनट का, आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा और आपकी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न भी कर लेगी और आपका हार्ट रेट भी बढ़ा देगी, जिससे हमको बेटर से बेटर मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में भी आपको बहुत सारी मदद होगी। इसके बाद की मेरी जो टिप नंबर 8 है वो है कि डोंट कंट्रोल योर फूड। आप कंट्रोल मत कीजिए फूड को। फूड आप बहुत सारा खा सकते हैं, पर फूड किस तरह से खा सकते हैं, फूड को आप कंट्रोल योर प्रोपोर्शन, पोर्शन जो होते हैं फूड के, मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जल नॉर्मल इंडियन लोग क्या करते हैं, 2 रोटी के साथ इतनी इतनी सब्जी खाता है इंसान, पर ऐसा नहीं खाना है। अगर हमको वेट लॉस करना है तो हमको सब्जियों की क्वांटिटी, सब्जियों की, सैलड्स की, या हम जो भी उसके साथ खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेनी चाहिए। जैसे 1 रोटी खा रहे हैं तो 1 कटोरी दही खाइए, उसके साथ 1 कटोरी दाल खाइए, 1 कटोरी सब्जी खाइए, 1 कटोरी चावल खा रहे हैं तो 1 कटोरी दाल आपको उसके साथ लेनी है, इतना इतना भर के सैलड्स लेना है। तो आपको पोर्शन पर कंट्रोल रखना है, अपने फूड पर कंट्रोल नहीं रखना है। जब आप उस आपकी जो प्लेट है उसमें एक साइड में 1 रोटी और बाकी साइड में भरा हुआ आपका सैलेड्स और दही, छाछ और जो सब्जी है और दाल, उसको जब आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको न्यूट्रिशन भी बहुत सारा मिलेगा और आप एक तरह का फूड नहीं खा रहे हो जो कि आपके स्टमक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। उसके बाद की मेरी जो टिप है वो टिप ये है कि स्लीप अर्ली। स्लीप अर्ली का मतलब ये है कि आपको अपने बॉडी को ये इंडिकेशन देना है कि भाई अब मेरा टाइम फिनिश हो गया है, मैं अब सोना चाहता हूँ। आप जब सो जाएंगे, जल्दी से जल्दी सोएंगे, तो आपकी जो क्रेविंग्स है, बढ़ती हुई क्रेविंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सोने में देरी करोगे, आपका मन खाने में जाते जाएगा। आप किचन से एक चक्कर मारोगे तो लगेगा हाँ मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, और आपका असमय या विदाउट, मतलब जो टाइम नहीं है प्रॉपर, उस समय पे आप वो चीज़ खा लोगे, और वो चीज़ उस समय पे खाना सबसे बेकार चीज़ है। क्योंकि आप रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग फूड खाते हो और फिर वो अपनी बॉडी उसको पचा नहीं पाती है या बर्न नहीं कर पाती, और वही आपको एज अ फैट स्टोर करता है। तो स्लिप जल्दी से जल्दी आप सोने की कोशिश कीजिए। जितना जल्दी आप सोओगे तो अपने ब्रेन को ये मैसेज जो है कि मुझे फिर से कुछ तो भी खाना है, एक टाइम हो गया मुझे भूख लगी है, ये मैसेज आपका ब्रेन आपको देगा नहीं, और आप अनवांटेड स्नैकिंग जो भी लेट इन द मिडनाइट है, जैसे कि आज की यूथ जो है बहुत समय तक मोबाइल खेलती रहती है और फिर रात को मैगी बना के, पास्ता, पुलाव और जाने न जाने कितनी पिज़्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें खा लेते हैं, तो ये जो अनवांटिंग स्नैकिंग है मिडनाइट के टाइम का, ये आप अवॉइड कर सकते हो। वो है टिप नंबर 9 को यूज़ करते जो है स्लिप अर्ली इन द नाइट। उसके बाद की मेरी जो लास्ट टिप है, टिप नंबर 10, ये है ड्रिंक एनी बेड टाइम टी बिफोर यूअर स्लीप। वो इसलिए है कि रात को सोने से पहले अगर आप कोई ना कोई मेटाबॉलिक बूस्टर ड्रिंक, जो मैंने आपको बताई थी कि मॉर्निंग में भी आप ले सकते हैं, ऐसे ही कोई ड्रिंक आप अगर रात को लेते हैं, जैसे कि आप एक ग्रीन टी भी ले सकते हैं, 1 कप ऑफ ग्रीन टी, वो भी थोड़ी गर्म सिप सिप करके अगर आप पिए, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो सोते सोते समय भी वो एक्टिव हो जाएगा और 1.5 से 2 घंटे में आपका जो खाना है वो पचा के वो पूरा पेट साफ कर देगा, और आपको मॉर्निंग में भी इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन भी आपको कम रहेगा और डाइजेशन भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए ये है मेरी कुछ टिप्स जो आपको वेट लॉस में मदद करेगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज ये मेरा वीडियो कैसा लगा,
और इस सब से आपको क्या बेनिफिट हुआ, प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने ये सब चीज़ें ट्राई की है और ये ट्राई की हुई ही चीज़ों को मैं आपको कंपाइल करके आज के मेरे वीडियो में बता रही हूँ। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड वॉच टिल एंड प्लीज़, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखोगे मैंने आखिरी तक आपको क्या टिप बताई है, जैसे कि बेड टाइम ड्रिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक भी टिप छूट गई और एक भी स्टेप अगर आप मिस करोगे तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आपको करना है तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको ज़रूर ज़रूर बेनिफिट दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।